देख रहे हो होमकार 24/7। मैं आपके साथ वेनू चौहान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के कैंट एरिया में एक फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह फ्लाईओवर 2.5 साल से बन रहा था। यह फ्लाईओवर यातायात जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से बन रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य की वजह से यह सड़क मार्ग और भी कम चौड़ा हो गया था और जाम की समस्या और भी बढ़ गई थी। कई गाड़ियां इस हादसे में फ्लाईओवर के नीचे ही दब गई हैं। हादसे में कई लोगों की जान जाने की भी आशंका जताई जा रही है। घायलों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। घटना के कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे और इस पुल निर्माण से जुड़े 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। बता दें कि जिस समय प्लग लगाने का कार्य चल रहा था उस समय भी सड़क यातायात चालू था और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने भीड़ भरे इलाके में भारी भीड़ और यातायात के बीच इतना भारी निर्माण कार्य क्यों चल रहा था। इतना ही नहीं, प्लर गिरने के बाद करीब 1 घंटे तक प्लर हटाने के लिए क्रेने तक नहीं पहुंच सकी। वहीं रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश सोनकर ने अधिकारियों की लापरवाही की बात कही है। वाराणसी के कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने वहीं इस हादसे को मानव जनित घटना बताया और कहा कि युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हादसे की पूरी जाँच की जाएगी, जिस भी अधिकारी को दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए होमकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।